नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। कल कुटनी का रिजल्ट आया जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की। उसके बाद वीआईपी के मुकेश सहनी का कहना है कि वो हार कर भी जीते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 10,000 वोट वीआईपी को मिला है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। उन्होंने यहाँ तक ही कहा है कि वो लड्डू बनवाकर लोगों के पास 10 तारीख को जाएंगे, साथ ही इस हार की भी जश्न मनाएंगे क्योंकि उनके लिए ये हार नहीं है। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव परिणाम से भले ही वीआईपी को तीसरे नंबर पर रखा हो, लेकिन चुनाव परिणाम को वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने इसे अपनी पार्टी और अपने लिए कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल मुकेश सहनी ने चुनाव परिणाम आने के बाद पटना में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुर्नी में वीआईपी को निषाद का 10,000 वोट मिला है और ये मेरी कामयाबी है। कुर्नी की जनता का इसके लिए आभार है। 10 दिसंबर को एक टन लड्डू लेकर जनता के साथ जश्न मनाने जाऊंगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कुर्नी सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा बीजेपी के पक्ष में गया। वहीं बीजेपी ने सत्तारूढ़ महागठबंधन से कुर्नी सीट छीन ली। कुर्नी की लड़ाई में बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार मनोज सिंह कुशवाहा को कांटे की लड़ाई में 3,645 वोटों से हरा दिया। कुर्नी सीट पर हुए कांटे के मुकाबले में केदार गुप्ता को 76,653 वोट मिले, जबकि मनोज कुशवाहा को 73,008 वोट मिले। कुर्नी में अपनी पार्टी का ताकत आंक रहे मुकेश सहनी को अपेक्षित सफलता तो नहीं मिली, लेकिन वीआईपी उम्मीदवार नीलाभ कुमार को केवल 10,000 वोट मिले और वो भी तीसरे नंबर पर है। कुर्नी में मिली हार पर मुकेश सहनी निराश नहीं है। मुकेश सहनी ने कहा कि वे कुर्नी की जनता के साथ जश्न मनाएंगे। पटना में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी के केदार गुप्ता को जीत की बधाई दी। मुकेश सहनी ने कहा कि कुर्नी ही में भले हम हार गए, प्रत्याशी नीलाभ कुमार ही की हार हुई, लेकिन पार्टी को एक कामयाबी भी इस चुनाव में मिली। उन्होंने कहा कि वो कामयाबी निषाद वोट मिलना। उन्होंने कहा कि वीआईपी के अलावा कोई भी पार्टी कह दे कि उसे 10,000 निषाद का वोट भी मिला है तो वीआईपी को 10,000 निषाद का वोट मिला है, यही मेरी और मेरी पार्टी की कामयाबी है और जीत है। इसके लिए कुर्नी की जनता का आभार हूँ। वहीं मुकेश सहनी ने कहा है कि 10 दिसंबर को मैं कुर्नी में आप मतदाताओं के बीच जाकर जश्न मनाऊंगा, कुर्नी की जनता के बीच जाकर खुशी बांटूंगा। मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी किसी और के साथ नहीं, मैं अकेला हूं। किसी दूसरे के लिए वीआईपी ने उपचुनाव में काम नहीं किया है। वही उपचुनाव में कुछ निर्दलीय निषाद प्रत्याशी पर मुकेश सहनी ने कहा कि ये सब बीजेपी ने किया है। मुकेश सहनी ने कहा कि अब बीजेपी को सोचना चाहिए कि आगे चुनाव कैसे लड़ेगी। इस चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। वही उपचुनाव में जदयू की हार को लेकर भी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया जाहिर की। मुकेश सहनी ने कहा कि लोगों में नीतीश सरकार की रैली को लेकर नाराजगी है और ऐसे में सरकार को इस पर 100 बार सोचना होगा। तो वहीं कुर्नी विधानसभा सीट पर जहां मुकेश सहनी वीआईपी की हार हुई, लेकिन मुकेश सहनी काफी खुश है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से निषाद पर से मुझे 10,000 वोट मिला है ये मेरे और मेरी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। भले ही हम चुनाव हार गए हों लेकिन मैं इस बार खुश हूँ क्योंकि मुझे जानने को मिला कि कुर्नी की जनता मुझे चाहती है और मानती है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो एक टन लड्डू बनवाएंगे और 10 तारीख को जनता के बीच जाकर जश्न मनाएंगे। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।